विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में अश्विन नवरात्रों के आठवें दिन महागौरी के रूप में ज्वाला माँ का पूजन किया गया। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने ज्वाला माँ की पवित्र ज्योतियों के दर्शन किए और माँ ज्वाला से सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में अष्टमी नवरात्र को माँ महागौरी के रूप में ज्वाला माँ का पूजन किया जाता है। इस दिन हजारों श्रद्धालुओं ने कतारों में खड़े होकर माँ के दर्शन किए। अष्टमी का नवरात्र बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये नवरात्र सभी नवरात्रों से विशेष माना गया है। बहुत सारे भक्त अष्टमी के दिन का व्रत करते हैं। इस दिन ज्वाला माँ को हलवे पूरी का भोग लगाया जाता है और फिर कन्या पूजन होता है। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु माँ ज्वाला की पवित्र ज्योतियों के दर्शन के लिए कतारों में लगकर ज्वाला माँ के जयकारे लगाते रहे। इन नवरात्रों के बाद सर्दियां शुरू हो जाती हैं। ज्वालामुखी के एसडीएम अंकुश शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं ने माँ ज्वाला की ज्योति के दर्शन किए और श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धा के रूप में कुल 47,74,995 रुपये, 19 ग्राम 900 मिलीग्राम सोना और 4 किलो 195 ग्राम चांदी माँ के चरणों में अर्पित किया। नवरात्रि तक लाखों श्रद्धालु यहाँ पे दर्शनों के लिए आ चुके हैं और हमारी मंदिर प्रशासन की तरफ से ये भरपूर कोशिश है कि उनकी सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाए और उसके लिए हमने जैसे कि लंगर व्यवस्था करी हुई है, डॉक्टर्स की एक टीम यहाँ पे अवेलेबल है और हमने हमारी कोशिश है कि सफाई व्यवस्था जो है वो उसको अच्छे से हम मेंटेन कर पाए और मुझे लगता है कि हम उसको काफ़ी हद तक मेंटेन कर भी पाए हैं। जहाँ तक चढ़ावे की बात है, अभी तक सातवें नवरात्रि तक लगभग 50 लाख रुपया हमारे पास इन कैश आ चुका है। इसके अलावा 19 ग्राम हमारे पास सोना और 4 किलो 195 ग्राम चांदी यहाँ पे चढ़ाई जा चुकी है और मैं सबको दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। मैं ये कामना करूँगा देवी माई से कि सबके ऊपर देवी का आशीर्वाद बना रहे। उन्होंने बताया कि मंदिर प्रशासन की तरफ से 3 समय का लंगर और निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है। माँ के दर्शन कर और माँ का आशीर्वाद लेकर श्रद्धालु भी खुश नजर आए। आज अष्टमी के दिन अपने मित्र संतोष के साथ हमीरपुर जिला हमीरपुर से हिमाचल प्रदेश से माँ ज्वाला जी के पवन चरणों में माँ के दर्शन करने आए हैं। मंदिर के अंदर परिसर में झाड़ू लगाने का मौका मिला, अंदर साफ सफाई की, माता के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। प्रशासन का इंतजाम कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेस्ट। आज सुबह सुबह माता जी के दर्शन करके मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में पहुंच गए हैं। आज यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है और मनमोहक है। यहाँ आके आज बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। सिटी चैनल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।